तो चलिए भाई पूरी बात बताते हैं हम आपको। एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि अश्वगंधा को अरबी में क्या बोलते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना के बताया कि अरबी में उसको इसगंध नागोरी बोलते हैं। तो भाई साहब ने कमेंट किया कि पूरी बात बता दो। चलो पूरी बात शुरू करते हैं शुरू से। अश्वगंधा को इंडियन विंटन चेरी और इंडियन जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये मार्केट में आपको पाउडर के रूप में आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ सऊदी में हैं तो इसको अरबी में इस्बा नागोरी के नाम से जाना जाता है। अश्वगंधा की लकड़ी यानी ये रूट्स जो हमने आपको तस्वीर में अभी दिखाया है, ये इस्तेमाल में लिया जाता है और इसी का पाउडर यूज में लिया जाएगा। और असली अश्वगंधा का पहचान ये है, उसका जब आप खुशबू लेंगे तो उसमें घोड़े की स्माइल आएगी, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा है। घोड़े का एक नाम अश्व भी है और खुशबू को गंधा भी बोला जाता है, तो अश्वगंधा। अश्वगंधा का तासीर गर्म होता है, अगर आपको कोल्ड कफ फीवर है तो आप इसको चाय में मिला के पी सकते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम तक। इसको ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं जिनका हाई रहता है वो भी यूज में ले सकते हैं, लो करने में मदद करेगा। शुगर के मरीज भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, उसमें भी लाभदायक है। यहाँ तक कि अश्वगंधा ट्यूमर और कैंसर के मरीज को भी दिया जाता है। इसके अलावा मेंटल प्रॉब्लम के लिए भी ये इस्तेमाल में लिया जाता है, अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, डिप्रेशन को कम करता है ये। और ये मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है इम्प्रूव करता है, तो मर्दों के लिए भी खास चीज़ है ये। इतना ही नहीं, जिनको थायराइड का मसला है वो भी इसको ले सकते हैं चाय के रूप में, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब हम चलते हैं किन लोगों को अश्वगंधा इस्तेमाल में नहीं लेना है नहीं पीना है। सबसे पहले तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दरमियान इसको बिल्कुल ना यूज करें, 1 मंथ से 9 मंथ तक, जो जिन महिलाओं के पेट में बच्चा है, क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है, इससे प्रेगनेंसी वीक हो सकती है और भी कई सारे मसले हो सकते हैं, तो इनको बिल्कुल ही नहीं लेना है। दूसरे नंबर पर ओवरडोज किसी को नहीं लेना है, ये 1 ग्राम 2 ग्राम तक ही लें, अगर आप हेल्थी हैं तो 3 ग्राम तक ले सकते हो। इसको ओवरडोज होने पर आपको डायरिया हो सकता है और भी कई सारे मसले हो सकते हैं। शुगर डायबिटीज ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल ही ओवरडोज ना लें, 1 ग्राम 2 ग्राम तक ही लें, क्योंकि इसका तासीर गर्म है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है इससे। अब इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना है। दूसरा, शुगर और ब्लड प्रेशर के लोगों को ओवरडोज नहीं लेना है, और इसका लड्डू भी बनता है। जिनको नींद का मसला है, नींद नहीं आता, ये शहद में मिला के रखा जाएगा, उसके बाद एक चम्मच खा के आप पानी पी